मंत्री गुलाब देवी ने गौशाला का किया उद्घाटन। माननीय मुख्यमंत्री की योजना के अंतर्गत गौरक्षा और गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं जनपद संभल में भी गौशाला का निर्माण किया गया, जिसके चलते बीजेपी राज्य मंत्री गुलाब देवी द्वारा गौशाला का उद्घाटन किया। जनपद संभल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना के अंतर्गत जहां गौवंशीय पशुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं संभल के विकास खंड बनियाखेड़ा के गांव अकरौली में गौशाला का राज्य मंत्री गुलाब देवी ने फीता काट करके उद्घाटन किया और उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय सभी गौवंश पशुओं को लाकर यहां सुरक्षित रखा जाएगा तथा उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर उनका पालन पोषण किया जाएगा। साथ ही उद्घाटन के समय पर क्षेत्रीय किसानों तथा जनता को सूचित न करने पर राज्य मंत्री गुलाब देवी ने विकास खंड अधिकारी अनुराग भटनागर को कार्य के प्रति लापरवाही और जनता को सूचना न देने पर कड़ी फटकार भी लगाई, जबकि क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि अगर उद्घाटन के समय पर सूचना होती तो हम अपनी समस्याएं हेतु राज्य मंत्री के समक्ष रख कर उनका निवारण कराते, लेकिन गोपनीय रूप से उद्घाटन किया गया है जिसमें गौ पशुओं को कब तक और कितने पशुओं से निजात मिलेगी इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? गौशाला का उद्घाटन किया गया है। सरकार की हमारे ये योजना है कि हम यहाँ पर गौओं के लिए सुरक्षित रखें, उनके खान पान की रहने की पूरी व्यवस्था है और जो गाय हमारे जंगली गाय हैं जो किसानों के लिए नुकसान पहुँचा रही हैं वो सरकार ने ये व्यवस्था की है कि यहाँ पर उनकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी गायों की, जिससे किसानों को भी राहत मिलेगी और गाय भी हमारी सुरक्षित रहेंगी। सर, जो गांव अकरौली में एक गौशाला का उद्घाटन राज्य मंत्री के द्वारा किया गया है, तो उद्घाटन के समय पर अनुराग भटनागर जो वीडियो हैं विकासखंड बनियाखेड़ा के, उन्हें फटकार लगाई गई थी, तो किस बात को लेकर के लगाई गई? ऐसा है, आज जो उद्घाटन हुआ है उसकी सूचना गाँव वाले लोगों को नहीं दी गई, इस वजह से जो है राज्य मंत्री ने उन्हें फटकार लगाई। राज्य मंत्री ये चाहती थी कि क्षेत्र के लोग आएं, अपनी समस्या बताएं, ये गौशाला किस किस तरीके से सफल तरीके से चल सकती है वो अपनी अपनी राय दें, सब लोग सहयोग करें, लेकिन जब पब्लिक को सूचना ही नहीं थी तो पब्लिक आती कैसे, लोग कैसे आते, किसानों के सुझाव मांगे जाते उसमें। अब ये जो गौशाला बनी है, अब उद्घाटन होने के बाद भी ये जो गाय झुट्टा फिर घूम रही हैं, फसलों को बर्बाद कर रही हैं, उद्घाटन होने के बावजूद भी इनको अंदर नहीं किया गया उसमें गौशाला में, उस अंदर इसलिए नहीं किया गया कि अभी जो सुविधाएं होनी चाहिए गायों के लिए सांडों के लिए वो सुविधाएं नहीं है। आज जाकर देखा कुछ लोग जो पहुंचे उन लोगों ने देखा कि पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है, समर सेल बंद पड़ा है। गाँव के प्रधान जी का भी ये कहना था कि भाई गाय अंदर हो जाएंगी तो इन्हें पानी की व्यवस्था कैसे होगी, अभी तो पानी की व्यवस्था ही नहीं है। तो जब तक जन सहयोग नहीं लिया जाएगा, जनता के बीच में गौशाला चलाने की बात नहीं रखी जाएगी, जैसे कि सरकार की मंशा है कि भाई जन सहयोग से गौशाला चलाया जाए, अब सरकार पर तो इतना पैसा है नहीं कि जो दे दे, एक गाय के लिए 30 रुपये दे रहे हैं, 30 रुपये में 4 किलो भूसा आता है, तो क्या 4 किलो भूसे में गाय पाली जा सकती है? उसके जो आदमी रहेगा उसकी मजदूरी के लिए भी पैसा चाहिए, तो सरकार तो कम दे रही है, हालांकि सरकार को ज़्यादा देना चाहिए। 30 रुपये में गाय पाली ही नहीं जा सकती, मैं तो ये कहता हूँ 100 रुपये में भी ये गाय नहीं पाली जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में किसानों की जो फसलें बर्बाद हो रही हैं इन छुट्टा गायों के द्वारा, तो वो जन सहयोग लिया जा सकता था, लोग यहाँ पर बुलाए जाते तो लोगों से ये बात रखी जाती कि भाई आप लोगों की फसलें तबाह कर रही हैं ये, इसमें आप सहयोग करो। जैसे गेहूँ पकने का टाइम आता तो लोग भूसा का सहयोग करते, घर में रोटियाँ बच जाती हैं, ऐसी व्यवस्था होती कि भाई जो रोटियां घर में बच रही हैं फेंकने की बजाय हम इन पशुओं को दे दें, हैं तो लोगों में ऐसी भावना जाती जागृत होती अगर लोग वहां पर बुलाए जाते। राज्य मंत्री इसी वजह से नाराज हुई, एक तो सुविधाओं को देखकर नाराज हुई कि पानी की पीने की व्यवस्था ना है, गाय कहां से पानी पिएंगी, सांड कहां से पानी पिएगा, लोगों को सूचना नहीं दी गई, सरकार की जो मंशा है वो पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए नाराज, यही कारण था उनके नाराज होने का। अरे, कितनी तादाद में यहाँ पे जो गौवंशीय पशु हैं जो पिछड़े फिर रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में होंगे? यहाँ पे 400-500 छुट्टा गाय और सांड और बछड़े बछियाँ घूम रहे हैं और वो पूरे किसानों की फसल तबाह कर रहे हैं, जिसमें अकरौली, विजयपुर, पीपली, गोपालपुर, कुआखेड़ा, पालनपुर, ये तमाम गाँव हैं, ये गाँव बहुत परेशान हैं, रातों रात किसान जाग रहे हैं, लट्ठे लेकर अपने खेत पर बैठे हैं। दूसरी बात, गायों को भी बहुत भारी परेशानी है जो छुट्टा गाय घूम रही हैं, क्योंकि दिन में अगर किसी के खेत में पहुंच जाती है तो वो किसान उन्हें जो डंडा लेकर रपटा देता है, अपने खेत में से निकाल कर बाहर कर देता है, दूसरे खेत में पहुंच जाती है तो दूसरा किसान डंडा लिए खड़ा है वो भी भगा देता है, तीसरे खेत में पहुंची तो तीसरा भगा देता है, पूरे दिन इन्हें चैन से रहने को नहीं मिलता, गायों को भागती रहती हैं। दूसरी बात,
किसानों ने अपनी फसल बचाने के लिए कांटे वाले तार और ब्लेड वाले तार लगा रखे हैं, ताकि भाई ये जो छोटा पशु घूम रहे हैं हमारी फसलों को नुकसान ना करें। किसानों की भी मजबूरी, अगर वो तार ना लगाए तो फसल कैसे बचाएं। तार लगाने के बावजूद भी किसानों को जागना पड़ रहा है, और उन तारों से ये गाय और बछड़े और सांड तमाम फटे पड़े हैं, फट गए हैं, घाव हो रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, सड़ रही हैं गाय और ये सांड, तो इनकी दुर्दशा हो रही है। ये बेजुबान पशु अपनी समस्या, अपना दुख दर्द किससे कहें, ये लाचार हैं। लेकिन ये जो समस्या है खड़ी है आज सामने, इसका समाधान तो सरकार को ही खोजना पड़ेगा।